नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और अब देखिए कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई। बता दें कि नीतीश कुमार जो है वो लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। भाजपा को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष को कितना एकजुट कर पाएंगे ये भी एक बेहद बड़ा सवाल उठता है। क्या विपक्षी एकता नीतीश कुमार ला पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। इस बीच भाजपा लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। बता दें कि नीतीश कुमार जल्द ही बिहार में एक यात्रा करने वाले हैं। पूरे देश के तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कवायद नीतीश कुमार करेंगे और इसको लेकर के उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने यात्रा का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर के भाजपा भी पूरी ज्यादा सरगर्मी में नजर आ रही है। भाजपा ने भी यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि वो भी जेपी नड्डा के नेतृत्व में एक यात्रा निकालने वाली है, जिसको लेकर के वो पूरे विपक्ष को साधने की तैयारी में। बता दें कि भाजपा को 160 सीटों के लिए चिंता बनी हुई है। 160 सीट ऐसी है जहां पर भाजपा हारने का भाजपा को डर है। वहीं उस सीट को लेकर के यहां पर सरगर्मियां बेहद ज्यादा तेज है। भाजपा क्योंकि जब तक जेडीयू के साथ थी बीजेपी, तब तक यहां पर कुछ कहने को नहीं बन रहा था। तब तक उन दोनों के गठबंधन से सरकार चल रही थी, लेकिन अब जो है गठबंधन यहां पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जो जिस तरीके से बिहार की सत्ता से उखाड़ करके फेंक दिया नीतीश कुमार ने, उसके बाद लोकसभा में भी भाजपा की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भाजपा के लिए नासूर बन रही है, तो नीतीश कुमार उसमें और भी ज्यादा नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार का दावा है कि अगर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, तो फिर भाजपा को सत्ता से उखाड़ के फेंकने में बेहद आसानी। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।